Before starting the video, I would like to tell you something about IBPSguide.com. In their website, they provide a daily free question which help you to boost your preparation either for banking or SSC examination. Also, you can check out their test series which has high standard question with a detailed solution, and at the end of the each test, we provide with smart analysis that how well you performed, which are the area you must work on, and also test series are available in both language, that is Hindi as well as English. It is accessible on both desktop as well as mobile app, whichever suits on you. For more information, you can visit estore.ipsguide.com. Now let's move towards our video. Hello everyone, welcome to IPS Guide. So this video mein ek bahut interesting puzzle hai, bahut time taking hai. Agar exam mein aati hai, chahe wo mains mein hi aayegi, itni badi aapko dikh bhi rahi kitni lengthy hai. To maine iska half part liya hai, yahan se leke यहाँ तक नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिया है, ठीक है ना. और जो इंट्रो पार्ट है वो भी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ. और इसको मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि कभी अटेम्प्ट मत करना, स्किप कर देना और दोबारा लौट के भी इस पर मत आना, इतनी टाइम टेकिंग है. अभी पता चल जाएगा कितनी पॉसिबिलिटीज़ आती हैं. 9% PQRSTUVWX आर लिव इन 9 फ्लोर बिल्डिंग, मार्क 1 to 9 इन सच अ वे दैट लोअर मोस्ट नंबर 1 एंड अबव इट इज 2 and till the topmost floor number mark 9. ठीक है. Each person like different birds. Parrot, owl, duck, peacock, dove, crow, eagle, sparrow, pigeon. ये सब क्या हैं, birds हैं. और हर एक person क्या like करता है, animal भी, that is cat, lion, elephant, rat, dog, monkey, horse and rabbit and cow. All the information is not necessary in the same order. अब यहाँ से puzzle शुरू होती है. चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए. 1 to 9 मैंने लिख लिया, ठीक है. 1 हु लाइक हॉर्स लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर एट अ गैप ऑफ 3 फ्लोर फ्रॉम द 1 हु लाइक्स पीकॉक. ठीक, हॉर्स क्या है, इवन. इवन कौन कौन से बचे, 8, 6, 4 और 2. ये पॉसिबिलिटी आएंगी, ये फ्लोर आएंगे. और कितने के गैप, क्या बोला, पिकॉक के गैप के कितना, 3 का गैप. द वन हु लाइक पिकॉक, हॉर्स यहाँ होता तो 1, 2, 3 यहाँ पिकॉक होता, 8th चौथे फ्लोर पे पिकॉक, ठीक है ना. आगे क्या कहता है, 6 पे होता तो हॉर्स, 2, 3 नई जगह, 1, 2, 3 यहाँ आता पिकॉक 2nd फ्लोर पे. पर आगे पढ़ लेते हैं एक बार. एस हु डज नॉट लाइक ईगल लाइक रैट लिव ऑन द फ्लोर जस्ट बिलो द वन हु लाइक पीकॉक. ठीक है, अगर पीकॉक 4th पे है तो जस्ट बिलो क्या कह रहा है, एस लाइक एंड लिव्स ऑन द जस्ट बिलो द वन हु लाइक पीकॉक. ओके, अगर पिकॉक यहाँ है तो जस्ट बिलो आपका ये नीचे वाला पिकॉक के जस्ट नीचे एस है, और एस क्या करता है, रैट लाइक करता है. ध्यान से सुनना, अब पिकॉक हु लाइक हु नीदर लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6 नॉर ऑन द मार्क एस 8. तो अगर हॉर्स मेरा 4 पे जाता तो मेरा 8 आता, और अगर मेरा हॉर्स 2 पे जाता तो मेरा यहाँ 6 था. तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो कट गई क्योंकि पीकॉक जो है 8 और 6 पे नहीं जाएगा. थी हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस गाइड. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल आपके सामने है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, फ्लोर बेस्ड पजल है. मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी आ सकती थी वो इस पजल में है, ठीक है. तो चलो देखते हैं क्या किए हैं कि 9% नेमली PQRSTUVWX लिव ऑन 9 फ्लोर बिल्डिंग मार्केट 1 to 9 इन सच अ वे दैट लोअर मोस्ट फ्लोर इज मार्क एज 1 फ्लोर above it is marked as 2 and so till the topmost floor mark number 9. Each person like different birds, parrot, owl, duck, peacock, dove, crow, eagle, sparrow and pigeon. Sorry. Each person also like different animal like cat, lion, elephant, rat, dog, monkey, horse, rabbit and cow. All the information is not necessary in the same order. अभी मैंने इतनी puzzle उठाई है. नेक्स्ट स्लाइड में अब मैंने वेरिएबल्स देख लिए कि क्या क्या है, बर्ड है, एनिमल है, पर्सन है और फ्लोर है. ठीक, फ्लोर मैंने अलॉट कर दिया.
अब जब कभी इतनी बड़ी आया करे ना पजल, तो सबसे पहले सिंबॉलिक नोटेशन वाला फंडा याद कर लिया करो कि भाई इतनी बार 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 नहीं पढ़ेंगे ना इतनी बड़ी पजल, छोटी होती चलो ठीक है। चलो पढ़ते हैं। वन हू लाइक हॉर्स लाइक लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर एट अ गैप ऑफ थ्री, वन हू लाइक पिकॉक एस हु डज नॉट लाइक ईगल बट लाइक्स रैट लिव्स जस्ट बिलो द वन हू लाइक पिकॉक, हु नीदर लिव ऑन फ्लोर नंबर सिक्स नॉर मार्क एस एट। ठीक है सॉरी देखो हॉर्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटी आएंगी, केवल एट और सिक्स। क्यों सर आपने ये माना और ये माना, ये क्यों नहीं माना, ये भी तो एक इवन है, ये भी तो एक इवन है। लेकिन अगर हॉर्स यहां रखते, सुन लो मेरी बात, तो पिकॉक तीन के गैप के बाद जाता, एक दो तीन यहां आता। अब अभी बोला कि एट पे नहीं है, है ना। अगर हॉर्स यहां रखते तो पिकॉक यहां आता जो कि सिक्स पे नहीं, अभी बोला मैंने, इसलिए दो ही केस लिए मैंने। अब समझ में आ गया। आगे देखो, पिकॉक के जस्ट नीचे कौन है, जस्ट बिलो द वन हु लाइक पिकॉक। तो देखो दो केस लेके चलते हैं। सबसे पहले, सबसे पहला केस ये चलते हैं कि हम हॉर्स को हम कहां पे लेंगे, यहां लेंगे एट फ्लोर पे। ठीक है लिख दो, हॉर्स यहां लिखा एक दो तीन, पिकॉक यहां लिखेंगे। क्यों सर, क्योंकि ये कॉलम है एनिमल वाला, ये अलग कॉलम है आपका बर्ड वाला, और ये वाला कॉलम है पर्सन वाला। ठीक है ना, पिकॉक के ठीक नीचे ऐसा है जो कि रैट लाइक करता है, रैट एक एनिमल है। अब मैंने क्या किया है, मैंने सारे पॉइंट्स को सिंबॉलिक नोटेशन में लिख लिया और एक एक करके डिस्कस करते हैं पहले। ठीक है, इतनी तो केस बनेंगे ना, एक बार हॉर्स को मैंने एट पे रखूंगा, एक बार मैं सिक्स पे रखूंगा। ठीक है ना, रब कर दिया हूं, याद रहेगा कि अब या तो यहां आएगा हॉर्स या तो यहां आएगा, बस। ठीक, चलो ये मैंने सिंबॉलिक नोटेशन पूरा लिख लिया। अभी कैसे लिखा सर, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है, आपने ऐसे ही अपने मन से लिख दिया, नहीं। आओ पढ़ते, वी हु डज नॉट लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ डब्ल्यू कॉमा लिव ऑन एडजेसेंट फ्लोर ऑफ वन ऑफ द वन हु लाइक क्रो। अब देखो कह रहा है एडजेसेंट मतलब ऊपर या नीचे हो सकता है क्रो के, कौन, वी, लेकिन वी जो है एडजेसेंट नहीं है डब्ल्यू के, तो डब्ल्यू के एडजेसेंट नहीं है, ये देखो नहीं है मानते, लेकिन क्रो के एडजेसेंट में है, या तो ऊपर या तो नीचे। क्रो यहाँ है तो नीचे भी हो जाएगा, या क्रो यहाँ है तो ऊपर भी हो जाएगा, कहीं पे भी हो सकता है, बट वी के ऊपर नीचे कहीं एक जगह क्रो होगा। क्लियर है कि नहीं। आगे देखो, टी हु डज नॉट लिव ऑन द फ्लोर टू द वन हु लाइक स्पैरो लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर एट अ गैप ऑफ वन फ्लोर फ्रॉम द वन हु लाइक एलिमेंट। देखो टी और एक ये फ्लोर का गैप है, टी देखो ना, टी जो कि एक ऑड पे रहना है, ऑड फ्लोर पे, और एक का गैप करके एलिफेंट है। पर ये क्या है, स्पार्क्स, स्पार्क्स नहीं है, ये क्या है, स्पैरो है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, स्पार्क्स मत समझ लेना, ये स्पैरो है, मतलब कि जो टी है वो स्पैरो के एडजेसेंट में नहीं है। इस तरीके से मैंने सिंबॉलिक बना दिया। और टी और एलिफेंट के बीच में कितना गैप है, एक का गैप है। अभी बोला ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक पैरट एंड द वन हु लाइक हॉर्स, पैरट वन गैप हॉर्स। अब ये गैप ऐसा नहीं है कि मेरे डियर फ्रेंड्स ऊपर नीचे हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, ऐसा नहीं बताया कि हॉर्स ऊपर है हॉर्स नीचे भी हो सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी वो नहीं बताया कौन किसके ऊपर है या कौन किस फ्लोर पे है। यू लाइक्स रैबिट लिव्स ऑन एनी ऑफ द फ्लोर बिलो द वन हु लाइक ईगल, ईगल के कहीं ना कहीं नीचे यू है। ठीक है, ओनली थ्री पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक पैरट एंड डब्लू। अब देखो पैरट एंड डब्लू, पैरट ये रहा एक दो तीन, डब्लू आ गया, हु लाइक्स काउ कर दिया, पैरट और हॉर्स के बीच में एक का गैप लिख दिया, आर हु लाइक्स ओल नीदर लिव्स ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ द हॉर्स नॉर काउ, आर ना तो हॉर्स के ना काउ के, ये बोला है हॉर्स काउ, मतलब है कि यहाँ पे काऊ भी है और यहाँ पे हॉर्स भी है, मतलब हॉर्स और काऊ के अगल बगल एडजेसेंट में आर नहीं होगा। आगे बोला है
कि वन हु लाइक रैट कैट डज नॉट लिव ऑन एडजेसेंट, ठीक है ना, कि रैट और कैट एडजेसेंट नहीं है। आगे देखो, ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन द ओवल एंड द पिजन। तो देखो ओवल आर के पास ये दो का गैप दिख रहा है, ये दो का गैप देखिए पिजन मैंने लिखा है, ठीक है ना। एटलीस्ट फोर पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक डक एंड क्रो, क्रो डक, एटलीस्ट फोर पर्सन हु लिव जस्ट हु लिव एनी ऑफ द फ्लोर अबव द लाइक हॉर्स। हॉर्स के कहीं ना कहीं ऊपर क्रो होगा, हॉर्स ये रखे हो, आंख बंद करके क्रो यहां नहीं लिखोगे क्योंकि हॉर्स क्रो जो है हॉर्स के ऊपर ही रहना है, लिख दिया मैंने। आगे देखो कहता है यहां से, ओनली थ्री पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक ईगल एंड द वन हु लाइक एलिफेंट। ईगल और एलिफेंट, ये एक दो तीन, ईगल और एलिफेंट दिख रहा है ना। अब ये क्या है सर, कैट आगे पढ़ो ना, हु लिव जस्ट हु लिव एडजेसेंट फ्लोर और द वन हु लाइक कैट। एलिफेंट ये कैट ऊपर भी हो सकता है, कैट नीचे भी, बट एडजेसेंट में रहेगा मतलब दोनों साथ में रहेंगे। ओनली टू पर्सन लिव बिटवीन पी एंड द वन हु लाइक मंकी। पी एंड मंकी दो पर्सन है। वन हु लाइक लायन लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर पे, देखो पर कैसे जस्ट बिलो रह रहा है किसके, जो स्पैरो लाइक करता है, मतलब जो स्पैरो लाइक करता है बर्ड उसके ठीक नीचे। देखो मैंने इस तरह बना रखा है, क्यू हु ना लाइक द लाइव लाइक डव नॉर हॉर्स लाइक एंड लिव एट अ गैप ऑफ द वन फ्लोर वन हु लाइक अ डॉग। देखो इस तरीके से कर दिया कि डव नहीं है, हॉर्स नहीं है, और एक का गैप देके कर दिया, ठीक है ना। अभी क्या है कि अब हम बार बार पजल तो पढ़ेंगे नहीं ये पूरी, अब हम यहीं पे ही देखेंगे, इतने में ही कहीं कोई पॉइंट मिल रहा है मुझे कनेक्ट करने के लिए। तो एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया कि जो मेरा वी है, देखो क्रो के एडजेसेंट में रहना है, क्रो ये रहा तो मेरा वी यहां आ जाएगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। ऐसे ना करो, ऐसे करो कि मेरा वी यहीं आएगा क्योंकि क्रो के एडजेसेंट में आता है, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अच्छा अब वी इधर आ गया तो डब्ल्यू किधर जाएगा, आओ देखते हैं। डब्ल्यू और पैरट के बीच में तीन का गैप है, ठीक है ना, डब्ल्यू और पैरट के बीच में तीन का गैप है, और हॉर्स और पैरट के बीच में एक का गैप है। हॉर्स एक का गैप, यहां तो पैरट आ जाएगा, एक दो तीन, तो डब्ल्यू नहीं लिख सकते, लेकिन एक दो तीन हम यहां डब्ल्यू लिख सकते हैं। डब्ल्यू के साथ क्या लिख सकते हैं, काउ लिख सकते हैं। जब हम एट यहाँ पे हॉर्स मानते हैं तब तो ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ, हम समझ रहे हो इन बातों को। आगे देखते हैं कि ठीक है, पैरट हो गया, काऊ हो गया, और कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो वी है तो क्रो है, ठीक है, यहाँ वाला भी पॉइंट हो गया। डब्ल्यू है तो वी उसके एडजेसेंट में नहीं आएगा, नहीं है भाई, पैरट ये एक दो तीन का गैप देखिए काऊ है, जैसे ये दे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अगर अब देखा जाए तो कौन सा पॉइंट उठाए, स्पैरो लॉयन, अगर स्पैरो और लॉयन वाली कंडीशन उठाओगे तो स्पैरो लॉयन आ रहा है ऑड में, और स्पैरो लॉयन ऑड में, दो बातें निकल के आएंगी। उससे अच्छा है कि आर और ओवल उठा लो, आर यहाँ रखते हो तो ओल इधर आएगा, ओल इधर आया तो ओल आर, और उसमें आर और पिजन में दो का अंतर है, दो प्ले पर्सन का, एक दो यहाँ पिजन आता पर यहाँ तो पिकॉक है, तो यहां बात तो तय हो गई, यहां नहीं आया। अब यहीं फिक्स कर दिया मैंने, है क्लियर। और आर लाइक करता है ओल, और ओल और इसमें किसमें पिजन में कितना अंतर है, दो पर्सन का, एक दो पिजन आ सकता है, एक दो पिजन आ सकता है, फिर दो बातें निकल के आ जाएंगी, है ना। चलो अभी छोड़ देते हैं, आगे आगे के लिए देखते हैं कि क्या है। टी की बात की जाए तो टी मेरा ऑड पे आना है, सॉरी तो मेरा टी यहाँ आ सकता है, टी यहाँ आ सकता है, टी यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ एक की क्या एलिफेंट रांची पर नहीं आ सकता। दोनों जगह रख के देखा जाए टी को, अगर दोनों दोनों जगह फेल हो गई तो और कुछ कर नहीं सकते, फिर ये केस ही पूरा गलत है। चलो देख रहे हैं कितनी पॉसिबिलिटी आ रही है, बस हैंडल करना है। टी यहाँ रखा, एक का गैप एलिफेंट नहीं दे सकते क्योंकि एलिफेंट और कैट एडजेसेंट में नहीं दे सकते, एक का गैप एलिफेंट,
एलिफेंट है तो कैट नीचे नहीं जाएगा, कैट ऊपर जाएगा, समझ रहे हैं बात को? एलिफेंट और ईगल के बीच में 3 पर्सन है, एलिफेंट 1 2 3, ईगल नहीं आ रहा, 1 2 3, ईगल यहाँ आएगा और ईगल के नीचे यू था, तो ईगल कभी इधर आ सकता है? इसके नीचे यू है जैसा कि इसने बोला, तो नहीं आ सकता, गड़बड़ा गया मामला, मतलब यहाँ टी नहीं होगा। अब कंफर्म टी मेरा इधर होगा, सॉरी, एक का गैप एलिफेंट और उसके बाद कैट, क्योंकि एलिफेंट और कैट एडजेसेंट में है, एलिफेंट और ईगल में 3 का गैप है ना, ये देखो, तो 1 2 3, यहाँ ईगल हो जाएगा, ईगल के नीचे कहीं यू है, यहाँ हो जाएगा और रैबिट है उसके पास, तो रैबिट ये हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर हो गया? अब दिख रहा है पैरट, सॉरी ओल, 2 का गैप पिजन आ सकता है, ओल 2 का गैप पिजन आ सकता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। स्पैरो और लॉयन देखा जाए, अब स्पैरो और लॉयन वाली कंडीशन, तो स्पैरो इधर नहीं आएगा तो लॉयन इधर नहीं आएगा, और कहाँ स्पैरो इधर आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि लॉयन इधर आता तो ना तो स्पैरो लॉयन यहाँ आ पा रहा है, ना तो यहाँ आ पा रहा है, इसका मतलब देखो कंडीशन पूरी गलत हो गई मेरी, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? मतलब कि मेरा जो हॉर्स है वो यहाँ पे जब रखा मैंने तो ये कंडीशंस आ रही हैं और सारी एलिमिनेट हो रही हैं। देखो भाई, मैंने टी को यहाँ रख के भी देख लिया और यहाँ पे भी रख के देख लिया, ठीक है ना, तो नहीं बन रही बात, और आर मेरा फिक्स है, अभी तक सारी बातें फिक्स हो रही थी, टी भी फिक्स हो गया यहाँ पे, उसके बाद लेकिन आगे चल के एलिमिनेट हो गया, क्या करेंगे अब हम? सब रब कर देंगे, हम सब रब कर देंगे और अब फिर से पढ़ेंगे जब हम हॉर्स को 6th फ्लोर पे रखेंगे, ठीक है, चलो सब रब कर देते हैं। सब रब कर दिया, रब करने के बाद अब हम चेक करेंगे किस पे किस पे, हॉर्स को रखेंगे 6th पे, तो फिक्स इंफॉर्मेशन है ये, कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, है ना, लेकिन यहाँ पे रखने का दो बातें निकल के आएंगी, हॉर्स 1 का गैप पैरेट, तो हॉर्स 1 का गैप पैरेट आ रहा है, हॉर्स 1 का गैप पैरेट आ रहा है, दो बातें निकल के आ रही हैं, तो एक काम करते हैं, पहले हम पैरेट को यहाँ रखते हैं नीचे और जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हम वो बनाएंगे, ठीक है, तो पैरेट ही रखा आपने, ठीक, पैरेट के बाद 3 का गैप देखिए, डब्ल्यू 1 2 3 नहीं आ सकता, 1 2 3, डब्लू डब्लू के पास काउ है, और एक और बात बोली गई थी, 3 फ्लोर फ्रॉम द वन हु पिकॉक हॉर्स लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर एट अ गैप ऑफ 3 फ्लोर, 1 2 3, 1 2 3 पिकॉक, ये भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब सॉरी ये फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, बस बस पैरेट के साथ एक वो बन रही है पॉसिबिलिटी कि पैरेट यहां भी हो सकता है, पैरेट ऊपर भी हो सकता है, ठीक है ना, पिकॉक के ठीक नीचे कौन था? एस था, और एस क्या लाइक करता था? एस हु डज नॉट लाइक ईगल बट लाइक रैट, ये फिक्स्ड बातें पता चल गई हमको, पैरेट के लिए पॉसिबिलिटी है, पैरेट के साथ है तो फिर डब्ल्यू भी ऊपर हमने रखा है तो भी पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी के साथ बिंदु लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, अब और क्या हो सकता है सोनू, कुछ सोचो, कुछ पॉइंट कनेक्ट हो सकते हैं, ये पॉइंट कनेक्ट हो रहा है कि डब्ल्यू अगर ये है तो वी मेरा ये नहीं होगा, क्योंकि बोला एडजेसेंट में नहीं, और वी मेरा ये नहीं होगा, दिख रहा है, सॉरी वी मेरा यहां नहीं होगा, वी नहीं, क्योंकि डब्ल्यू के एडजेसेंट में नहीं, और ये भी बात बोली गई थी कि हॉर्स के ऊपर कहीं क्रो है और क्रो का एडजेसेंट कौन है? वी है, हॉर्स क्रो यहां लिखेंगे, अगर यहां लिखोगे तो वी यहां या यहां आता, नहीं आ सकता, क्रो यहां रखोगे तो बात ही नहीं बनेगी, तो अगर हॉर्स है तो क्रो ये रखेंगे, पॉसिबिलिटी चल रही है, अच्छा क्रो यहां रखेंगे तो वी पक्का है मेरा इधर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना, क्रो वी आ रहा है,
आगे क्या चलेंगे, अब कौन सी एक ऐसी कनेक्टिंग पॉइंट हमको मिल रहा है। देखो ध्यान से देखो कि आर को अगर रखना चाहे, जो कि आर के पास लाइक करता है ओल, और आर जो है हॉर्स के और काउ के एडजेसेंट नहीं रहेगा, बात को समझना। तो काउ किधर है, ये है, तो आर इधर तो आएगा नहीं, और किसके एडजेसेंट नहीं, हॉर्स के, यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो आर किधर जाएगा। देखो आर इधर आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि वो हॉर्स का एडजेसेंट हो जाएगा। आर इधर आएगा नहीं क्योंकि वो काऊ का एडजेसेंट हो जाएगा, है ना। तो कहाँ जाएगा, एक ही पोजीशन बचती है आर के लिए, वो ये रही, ठीक है ना, यहीं रही। तो ओवल इधर आ जाएगा। अब जैसे ओवल इधर लिखा तो दो के बाद पिजन है, देखो आर ओवल, ये तो अलग बात है ना, ये कह रहे हैं कि आर के एडजेसेंट में हॉर्स और काऊ है, ठीक है ना, सॉरी। तो ऑल ये रखा, एक दो, यहाँ पे पिजन आता, नीचे तो जगह भी नहीं है एक दो के बाद, तो यहाँ एक पिजन आ जाएगा, आ जाएगा। फिर से एक बात दोहराओ माइंड में अपने, कि जब ये सब हो गई तो क्या हम स्पैरो को रख के लॉयन को हम ऑड पे ला पा रहे हैं। ये देखो स्पैरो लॉयन तो आएगा ही नहीं, स्पैरो लॉयन आ सकता है, आ सकता है, नोट करो मेरे वर्ड को, तो यहाँ पे स्पैरो आ सकता है, और कहीं आ सकता है, स्पैरो लॉयन नहीं, कहीं नहीं आ सकता स्पैरो, और यहाँ आ गया लॉयन, ठीक। फिर से वर्ड्स को याद करो कि टी मेरा ऑड पे जाना था और स्पैरो के एडजेसेंट होगा नहीं, तो यहाँ तो हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है ना, यहाँ हम चेक नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी हम टी को नहीं रखेंगे क्योंकि स्पैरो है यहाँ पे, जो कि पॉसिबिलिटी लेके आया है। ये सारी पॉसिबिलिटी चल रही है किसके कंपेयर, किसके रिस्पेक्ट में, पैरट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, मेरी बात सुनना। टी यहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि एडजेसेंट बोला है कि टी के नहीं होगा, और ऑड पे जाना है टी को, तो बचा क्या, ये तो इवन है, ये भी इवन है, एक यहीं टी के लिए बची जगह, और टी और एलिफेंट में एक का गैप, एक का गैप एलिफेंट नहीं आ सकता, एक का गैप एलिफेंट आ रहा है यहाँ पे, देखते रहना ध्यान से मेरे डियर फ्रेंड्स, एलिफेंट यहाँ आ रहा, एलिफेंट और ईगल में कितने का गैप था, तीन का गैप था, नीचे तो है नहीं, एक दो तीन, क्या ईगल रख पा रहे हो, बताओ अब बताओ, कितनी ज़्यादा आगे बढ़ने के बाद एलिमिनेट हो रही है कंडीशन, मैं तो ये देख रहा हूँ इसमें, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। अब कहाँ से डिलीट करेंगे, क्या क्या चीज़ें मिटाएंगे, सर हम पैरट से रखे थे हर एक चीज़ फिक्स, कोई और पॉसिबिलिटी तो हम रखे नहीं थे, तो हमको ये हटाना है, आर हटाना है, ये हटाना है, और ये डब्ल्यू भी हटाना है, क्योंकि जितने भी बुंद पॉइंट वाली चीज़ें उनको सब हटा देंगे हम, यहाँ से ये भी हटा देंगे, ये पिजन भी हटाओ यहाँ से, और ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, और वी और टी भी हटाओ, अभी लॉयन भी हटाओ, और पैरट अब हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्यों, क्योंकि कन्फर्म होगा कि पैरट यहाँ नहीं आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा, मैंने चेक कर लिया, बाकी चीज़ें फिक्स थीं, हॉर्स एक का गैप पैरट, है ना, पैरट एक दो तीन, यहाँ आ जाएगा डब्लू, डब्लू के पास काऊ, ठीक है। अब एक बात याद आएगी तुरंत, कि काऊ और हॉर्स के एडजेसेंट में आर नहीं है, तो आर यहाँ नहीं आ सकता, आर यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि काव का एडजेसेंट हो जाएगा, आर यहाँ नहीं आ सकता, और आर ओवल आ नहीं सकता, आर ओवल आ सकता है, और किधर आएगा, आर ओल इधर आ सकता है, और आर ओल आर इधर नहीं आएगा, आर ओल ये भी तो हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ, हॉर्स के ऊपर ही कहीं क्रो है, देखो ये बात बोली गई थी कि हॉर्स के ऊपर ही कहीं क्रो है, और क्रो एक ऐसी जगह में होगा जहाँ जिसके एडजेसेंट में वी हो, ये भी तो देखना है हमको क्रो के एडजेसेंट में, तो अगर मान लो क्रो ये हुआ तो वी ये हो जाएगा, क्रो ये हुआ तो वी ये हो जाएगा, यार बातें निकल के आ रही हैं दो। एक काम करते हैं, पहले हम क्रो को यहाँ लिख लेते हैं, ऐसा नहीं कि क्रो यहाँ नहीं आ सकता, आ सकता है क्योंकि हॉर्स के ऊपर क्रो आना है, क्रो यहाँ रखेंगे तो वी यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, एग्री करते हो मेरे पॉइंट से, क्रो यहाँ रखेंगे तो वी ऑटोमेटिकली इधर आ जाए क्योंकि एडजेसेंट में है, ठीक है ना।
फिर सोचेंगे कि और क्या कनेक्ट कर सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। तो देखो V आ गया, W इधर है, एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। फिर और सोचते हैं कि ठीक है मुझे T बैठालना है ऑड पे, T को बैठालना है ऑड पे, और T और एलिफेंट के बीच में 1% का गैप है, क्लियर है। और R की अगर बात कर ले, हाँ देखो पहले क्रो यहाँ माना तो V यहाँ फिक्स मान लिया। R की बात करें तो R हॉर्स और काऊ का हो नहीं सकता, एडजेसेंट यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, और R ऑल तो आपका एक ही जगह बची ना, R के ऑल के लिए R ऑल है ना। क्यों क्या कहते हो? क्योंकि ऐसा तो कहीं बोला नहीं था कि R जो है हॉर्स नहीं हो सकता, ये बोला गया था कि R के एडजेसेंट में R के हॉर्स नहीं होगा और काऊ नहीं होगी, तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है चलो आगे देखते हैं कि क्या बातें निकल के आती। ओल दो का गैप देखे पिजन, एक दो पिजन नहीं आ सकता, एक दो पिजन आएगा, ठीक है पिजन आ गया। अच्छा और क्या बातें बोली दी, ये कहा था कि स्पैरो के ठीक नीचे लॉयन है और लॉयन ऑड पे आ रहा है, तो स्पैरो लॉयन, स्पैरो लॉयन कहाँ डालोगे बताओ? अब कट गया मामला, कुछ हो ही नहीं सकता। अब तो देखो ना स्पैरो लॉयन नहीं आ रहा, स्पैरो लॉयन नहीं आ रहा, स्पैरो सॉरी यहाँ मामला फंस रहा है एक स्पैरो और लॉयन का। अगर ये भी फॉल्स हो जाता तो फिक्स कह सकते थे क्रो यहाँ नहीं आएगा, क्रो यहाँ आ जाएगा, लेकिन अभी बात एक मिल गई कि स्पैरो यहाँ लॉयन यहाँ। ये बात बोली गई थी कि टी ऑड में होगा लेकिन स्पैरो के एडजेसेंट में हो गया, तो टी यहाँ नहीं आएगा, टी यहाँ नहीं आएगा, ये दोनों एडजेसेंट चले गए, बचा कौन सा ऑड, या तो ये या तो ये। फिर देखो दो बातें निकल के आ रही हैं यहाँ से, देख रहे हैं, तो एक बार क्रो में था पॉसिबिलिटी, अब टी में पॉसिबिलिटी आ रही क्योंकि यहाँ भी आ सकता है टी ऑड है, यहाँ पे भी आ सकता है ना। चलो पहले सबसे पहले हम रखते हैं टी यहाँ, टी यहाँ रखे, एक का गैप देखे एलिफेंट, एलिफेंट एलिफेंट के जैसे में कौन था, कैट था, तो कैट ठीक है ना। और कुछ और देखा जाए तो बोला गया था कि एलिफेंट जब मिल जाए तो एलिफेंट और ईगल के बीच में कितना है, एक दो तीन है, एलिफेंट का एडजेसेंट कैट है ये बताया गया था यहाँ पे, तो एलिफेंट एक दो तीन, यहाँ तो ईगल आना चाहिए था, मामला गड़बड़ा गया, मतलब कि टी गलत रखे हैं, टी गलत रखे हैं, टी कहाँ रखेंगे, अब यहाँ रखेंगे फिक्स्ड, अब यहाँ रखेंगे, तो अब हम क्या करते हैं इसको कलर चेंज करके रेड पे ही आ जाती है क्योंकि रेड रेड वाला मिटाना है अगर ये केस फॉलो हो गया तो पूरा मिटा के क्रो को यहाँ से हटाएंगे और क्रो को यहाँ लिखेंगे तब हम, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। टी एक का गैप एलिफेंट, ऊपर एक का गैप एलिफेंट, एलिफेंट कभी भी बीच में नहीं है क्योंकि एलिफेंट अगर यहाँ आया तो कैट एडजेसेंट में होना चाहिए जो कि हो नहीं सकता। टी यहाँ रखा है, एक का गैप एलिफेंट है ना, एलिफेंट एलिफेंट यहाँ रखा, एक दो, एक दो तीन, यहाँ आएगा ईगल है ना, यहाँ आएगा ईगल, क्लियर है, क्योंकि एक दो तीन के बाद ईगल है बोला था, कर दिया ईगल। उसके बाद आर ओल भी हो गया, पिजन भी हो गया, और क्या बातें रह गई हैं, टी के स्पैरो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सही जा रहा है क्या, नहीं अभी सही नहीं जा रहा है, देखते हैं। मंकी को बैठाना है तो मुझे मंकी दो के बाद पी है, मंकी दो गैप पी आ सकता है, मंकी दो गैप पी, अरे चलो ये वाली बातें छोड़ दो क्योंकि पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ रही है ना। तो ईगल ये रहा, ईगल के नीचे, ईगल के नीचे यू और रैबिट है, तो यू रैबिट यहीं आएगा, यू रैबिट, सही जा रहा है सब कुछ ठीक।
आगे बता, क्रो और डक के बीच एटलीस्ट फोर, तो क्रो यहाँ, डक यहाँ नहीं आएगा, डक यहाँ आ जाएगी है ना, डक यहाँ आ जाएगी, क्रो क्योंकि यहाँ है, अगर यहाँ डक लिखते तो मिनिमम दो ही रहता, लेकिन एटलीस्ट चार का गैप रखना था। अब बचा डव, डव एक चिड़िया वो इधर आ जाएगी, ये तो पूरी चिड़िया भर गई पर अभी भी कोई कंडीशन एलिमिनेट नहीं हुई, क्या बात है। चलो देखते हैं आगे कि टी हो गया ऑड पे और एक का गैप देखिए एलिफेंट है, हाँ है, और एलिफेंट से ईगल है, हाँ है, कनेक्ट है, ओके ईगल है, एलिफेंट का एडजेसेंट कैट था ना, तो कैट लिखो ठीक है ना। अब ये वाली कंडीशन देखते हैं, डॉग और क्यू वाली और मंकी वाली, अब ये दोनों बची हैं केवल, तो मंकी ए, मंकी इधर जाता एक दो, यहाँ आता पी, नहीं आ सकता, मंकी यहाँ जाता, या तो मंकी यहाँ आएगा या तो इधर आएगा, तो यहाँ तो नहीं हो पा रहा है, यहाँ रखो एक दो, पी आता नहीं हो सकता, एक दो पी आ रहा नहीं हो सकता, मंकी तो रख ही नहीं सकते। अब समझ में आया कितना कुछ बनवा दिया हमसे और अब एलिमिनेट हुई है। चलो फिर हो तो गई, अब कंफर्म कह सकते हो क्रो यहाँ नहीं होगा, क्रो यहाँ होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्रो यहाँ नहीं, क्रो यहाँ नहीं होगा, क्रो किधर जाएगा, हॉर्स के ऊपर मतलब सेवेंथ पोजीशन, सेवेंथ फ्लोर पे, चलो रब करो अब, सब समझ में आ गया ना सबको, चलो ये सब रब हो जाएगा, अब फिक्स्ड लिखेंगे, अब जो भी चलेगा फिक्स्ड चलेगा, हॉर्स क्रो ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्रो यहाँ आया, अब क्रो के एडजेसेंट में वी था, या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ आ सकता है। वी से पहले देखो एक चीज़ तुमको दिखा दूँ मैं, कि अगर यहाँ पे एक सेकेंड, अगर मैं मानता स्पैरो के नीचे लगन है तो स्पैरो यहाँ लिखता, लॉयन यहाँ आता, समझ रहे हो मेरी बात को, सॉरी लॉयन ऑड में नहीं आता, इवन में नहीं आता, स्पैरो यहाँ लिखता तो लॉयन यहाँ आता ठीक, और स्पैरो है तो यहाँ लिखो स्पैरो एक बार, और यहाँ लॉयन, अदरवाइज यहाँ पे भी एक कंडीशन बन रही है, बन रही है, तो क्या किया जाएगा देखो, देखते रहना। आर के लिए बोला इसने हॉर्स के एडजेसेंट में नहीं होगा, हॉर्स ही है, आर यहाँ से हट गया, आर यहाँ से हटेगा, आर हर जगह से कटेगा, यहाँ आएगा केवल, किसके साथ, वो भी ओल के साथ, अभी बात बताओ ओल और पिजन में कितना गैप है, आर ये है विद ओल एंड ये रहा पिजन, ये तो क्रॉस मार्क लगा हुआ है कि नहीं होगा एडजेसेंट, आर काउ के एडजेसेंट नहीं है जो कि नहीं है, लेकिन दो का गैप है ना पिजन, एक दो पिजन आता नहीं हो रहा, स्पैरो गलत रखा है, इसका मतलब रब करो, अब कंफर्म कह सकता हूं कि स्पैरो मेरा कहां पे, तो ब्लैक कलर लेके स्पैरो और ये रहा लॉयन फिक्स्ड ठीक है ना। जैसे ही स्पैरो हुआ यहाँ, यहाँ से ऐसे लाइन खींच दो, ऐसे नहीं ऐसे ठीक है ना, स्पैरो लॉयन, अभी एक बार बता जाएगी, क्रो यहाँ है, क्रो और डक में एटलीस्ट फोर, तो 1 2 3 4 एटलीस्ट लास्ट तक यहाँ आ जाएगा ठीक है ना, कोई डाउट नहीं। अब एक और लेकिन बात आती है, टी किधर जाएगा, अब टी जो है किधर जाएगा, स्पैरो है तो ये वाला ऑड तो कट गया और ये वाला भी, अब बचे दो ही केवल ऑड, या तो ये वाले पे टी आएगा या तो ये वाले पे टी आएगा है ना, दोनों चेक करेंगे एक एक करके, या तो नाइन्थ पे जाएगा या तो सेवन्थ पे जाएगा, पहले हम नाइन्थ में रखेंगे। सर क्यों आपने टी से स्टार्ट किया, जब क्रो मिल गया, क्रो के एडजेसेंट में वी था तो आप वी यहाँ और यहाँ मान के चल सकते थे, पर वी से क्या कुछ और कनेक्ट किया हुआ पॉइंट है, नहीं है, तो फिर क्या करोगे, डाउट में फंस जाओगे, सब यहाँ टी से शुरुआत करो, टी और एलिफेंट का पता चल जाएगा, टी एक का गैप एलिफेंट ये पता चल गया, एक का गैप नहीं, अब एलिफेंट से जुड़ा हुआ कैट है, कैट पता चल गया ठीक है ना। अभी बात बताओ आर किधर जाएगा, आर के पास ओवल है, इधर तो आएगा नहीं,
इधर आएगा नहीं, काउ के एडजेसेंट में है, आर इधर आ जाएगा मान लो। अब जैसे ही ध्यान आया कि आर ओवल इधर रखा, काउ के एडजेसेंट में वी था, क्रो के सॉरी, तो ये रहा। सब पक्का जा रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं आई जब मैंने टी को यहां रखा है तो। अब देखिए ध्यान आ जाएगा, एलिफेंट ये है, 1 2 3, ईगल यहाँ आ जाएगा, ईगल यहाँ आ गया, ईगल के नीचे यू आएगा, और ईगल के नीचे यू, और यू लाइक करता है रैबिट। अब केवल दो ही एनिमल बचे, या तो मंकी या तो डॉग। मंकी यहाँ रखता तो मैं देखो क्या होता, दो का गैप देके पी आता, ये देखो नीचे देखो, 1 2 पी नहीं है, मंकी यहाँ 1 2 पी नहीं है, मंकी यहाँ होता 1 2, ऑलरेडी आ रहे तो पी कहाँ से, समझ गए, कॉन्फ्लिक्ट कर गई, टी गलत रखा है, रब कर दो, टी गलत रखा है, टी कहाँ आएगा आप कंफर्म, टी मेरा यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, टी मेरा इधर चला गया, इसको ओल को हटाओ, अभी सही है, बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुई वो समझ में आ गया, टी मेला ये गया, और आर किधर आएगा अब बताना, आर, अब देखो टी मेरा इधर है तो आर इधर आ सकता है, या फिर आर के साथ ओवल ऊपर जा सकता है, पर एक बार बताओ, क्रो गए तो वी इधर आएगा या फिर वी इधर आएगा, अब दो बातें निकल के आ रही हैं देखो वी के साथ, तो कोई बात नहीं, अभी देखो टी मैंने यहाँ रखा है, टी एक का गैप, एलिफेंट, एक सेकेंड, डब्लू को, और हाँ, देखो टी अगर ये मानते हो मेरे दोस्त, देखना टी अगर ये मानते हो, एक का गैप एलिफेंट नहीं मानोगे क्योंकि एलिफेंट का तो एडजेसेंट कैट है, तो कैट तो लग नहीं पाएंगे, एक का गैप एलिफेंट, अब ये पॉसिबिलिटी नहीं चल रही, अब ये कन्फर्म चल रहा है, एलिफेंट माना तो यहाँ कैट आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, अभी सोचो कि एलिफेंट ये है तो ईगल को कनेक्ट कर लेते हैं, बाद की बात नहीं देखेंगे, ईगल ये है तो 1 2 3 के बाद ईगल है, 1 2 3 ईगल यहाँ आ जाएगा, ईगल के नीचे कहीं ना कहीं यू है विद रैबिट, यू रैबिट नहीं आ सकता, यहीं आएगा यू, और रैबिट यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा, सही जा रहा है अभी तक, कोई पॉसिबिलिटी नहीं आ रही, अभी सब सही जा रहा है, उसके बाद कहता है मंकी को बैठा लो और डव, सॉरी सॉरी, मंकी को बैठा लो और डॉग को बैठा लो, चलो देखते हैं, मंकी यहाँ होता 1 2 का गैप देके पी आता, पर नहीं आ रहा है, तो इधर मंकी नहीं, अगर मंकी इधर होता तो 1 2 पी आता, लेकिन 1 2 पी ना आता, तो यहाँ मंकी आ सकता है, 1 2 पी ये हो जाता उस केस में, अब जैसे ही क्रो किया, एक एडजेसेंट में पी पता चल गया है तो दूसरे एडजेसेंट में वी ऑटोमेटिकली आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ जब पता चल गया कि ये ऐसे है तो वी ऑटोमेटिकली यहाँ आएगा, यहाँ तो आएगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, मंकी इधर आ गया, तो अब देखो चीज़ें कितनी सरल हो गई हैं, अब हर चीज़ सरल हो गई, अब डॉग आता है लास्ट, डॉग इधर आ गया, डॉग और क्यू में एक का गैप, एक का गैप क्यू ऊपर जा सकता है, लेकिन एक चीज़ अभी देखो, आर के साथ ओवल है, आर के साथ ओल है, तो अब किधर आएगा आर और ओल, आर और ओल, जब हमको पता, सॉरी, जब हमको पता चल गया आर के साथ ओल आना है तो किधर आएगा, देखो ऐसा है कि यहाँ पे क्रो के साथ दो बातें थी कि या तो वी यहाँ आ सकता है या तो यहाँ पर, अब तो बात तय हो गई ना, मंकी यहाँ आया तो पी यहाँ फिक्स हो गई, तो वी मेरा ये रहा, अच्छा अब आर यहीं आएगा ओल के साथ, है ना, और पिजन कहाँ आएगा, दो की कैप के बाद, 1 2 पिजन यहाँ आ जाएगा, और एक डव यहाँ आ जाएगा, डव जो है क्यू नहीं है तो यहाँ क्यू आ जाएगा, और कौन बचता है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये रहा एक्स, सही है,
हो गया, अब बताओ कितना मजा आया करने में, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आई है, मतलब किस तरीके से हैंडल करना है वो ये तुम सीख लो यहाँ पे, कि तुमने अगर ये नहीं लिखा होता ना तो बहुत ज्यादा आपको बार बार रीड करके आपका टाइम वेस्ट जाता, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।